जैन मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप सब? मोदी जी नमस्कार, जय श्री राम। जैन कैसे हैं मोदी जी? मोदी जी देश की बहुप्रतीक्षित अयोध्या धाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के शिलान्यास की बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद, आभार। और सबसे बड़ा आभार माननीय उच्चतम न्यायालय का और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मोदी जी, आपको तो पता है ना कि पहले भी शिलान्यास तो ऑलरेडी हो ही चुके थे और काम प्रगति पे भी था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पत्थर गड़े जा रहे थे, कारभार तो चल ही रहा था, लेकिन चूंकि जो आप में है मोदी जी वो देश के किसी भी नेता में नहीं है। ये जितने भी दल के नेता हैं कोई काम के नहीं है। आप में तो वो गुण वो क्षमता, वास्तव में आपको कोई बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर तो है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा, है ना मोदी जी? मोदी जी देखिए ना, अर्थव्यवस्था औधे मुँह गिरी, पहले देश बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, भूखमरी की कगार पे हमारा देश। ध्यान भटकाने के जो गुण आप में है ना मोदी जी, देश को गुमराह करने में, झूठ बोलने में, पाखंड करने में, जो भारतीय जनता पार्टी को संस्कार मिले वो थोड़ी किसी में है, नहीं है। देखिए ना, अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया, जिस प्रकार से नोटबंदी औधे मुँह गिरी, जिस प्रकार से GST औधे मुँह गिरी, और पूरी तरह से 6 सालों में देश को बर्बाद, कंगाल, तबाह किया गया, उस असफलता पे पर्दा डाल ले, कैसे रास्ते तलाशे आपने? धारा 370 आ गया, वो भी औधे मुँह गिर गया। पहले की सरकारें कोई भी निर्णय लेती थी, सारे सर्वदलीय बैठक करके, संतुलन बना के, एकता करके निर्णय ले लेती थी। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी रातों रात आपके सारे निर्णय होते हैं औधे में मुँह गिर जाते हैं? कोई भी निर्णय लेने के पहले एक कार्य योजना होती है ना मोदी जी, लेना चाहिए ना अपन को, कार्य योजना बनाना चाहिए ना, और उसका एक एस्टीमेट होना चाहिए, इन फ्यूचर आगे हमें कैसे काम करना है, उसके लिए हमारे पास आर्थिक आधार क्या होगा, उसकी कोई चिंता नहीं। 300 पहले ही देश कंगाल था, तबाह था, 6 सालों में बर्बादी की कगार पे कंपनियां बंद हो रही, देश बिच रहा है, निजीकरण, रेलवे, BSNL, लाल किला, एयरपोर्ट, तमाम जमाने भर की चीज़ों का निजीकरण, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, जबकि आपने तो देश की तबीयत से है ना मोदी जी, 6 सालों में आपका दोष नहीं है, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं तो आपका दीवाना हूँ, बहुत बड़ा दीवाना हूँ मोदी जी। 370 भी उल्टी पड़ गई, उसके बाद CAA NRC आया, वो भी उल्टा पड़ गया। भाई जब किसी चीज़ की नीति नहीं होगी, नियत साफ नहीं होगी, काम करने का तरीका ठीक नहीं होगा, सबके साथ समन्वय स्थापित करके अपन कोई काम नहीं करेंगे, तो उसमें तो विसंगतियां तय हैं। अच्छा, चूंकि मजबूरी भी थी आपकी ध्यान भटकाने के लिए, कोई ना कोई इस टाइप की योजनाएं लाना चाहिए। कांग्रेसियों के या अन्य दलों के लोगों में ये बुद्धि नहीं थी, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ये सिर्फ गरीब के छत झोपड़ी के ऊपर छत कैसे पड़े, गरीब का बच्चा स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण कैसा करे,
गरीब को रोजगार कैसे मिले, जब से देश की आज़ादी की लड़ाई से लेके ये कांग्रेसी निकम्मे लोग सिर्फ देश को प्रगतिशील बनाने में लगे रहे। वही काम राहुल गांधी कर रहे, वही काम सोनिया जी कर रहे, वही काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर रहे। देखिए ना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल बना रहे हैं कि 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री बुद्धिमान व्यक्ति जिसने 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया, देश को बर्बाद नहीं होने दिया, देश को तबाह नहीं होने दिया, देश की कोई संपदा को गिरमी नहीं किया, निजीकरण नहीं होने दिया, ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगते रहे, बदनाम करते रहे आपके लोग। और सोनिया जी को, राहुल गांधी को रिमोट कंट्रोलर बोलते रहे, जबकि देश को मालूम है ना मोदी जी, अटल जी जैसे विद्वान प्रधानमंत्री के खिलाफ जो माइंड मिला, समर्थन मिला, सपोर्ट मिला, बहुमत मिला, किसको मिला? सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मिला था ना। प्रधानमंत्री का हकदार कौन था? पहला 2004 का इलेक्शन अटल जी के खिलाफ किसके चेहरे पे आया था? सोनिया गांधी के खिलाफ आया था ना। सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, योग्यता में भी कहीं कोई कमी नहीं, शहादत भी उनके पति की थी, उनकी सास की थी, उनके पूर्वजों का, राहुल गांधी जी के पूर्वजों का देश की आज़ादी में जो योगदान रहा, वो शायद जिस समय राहुल गांधी के पूर्वज देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम आप लोगों के पूर्वज क्या कर रहे थे? सावरकर जी, गोडसे जी लोग कहाँ खड़े थे? देश में योगदान किसका रहा मोदी जी? चलिए छोड़िए ना, पुरानी बातों में कुछ नहीं, वो तो चूंकि आपके लोगों को गुमराह करने के लिए बढ़िया हथियार, मैं तो दीवाना हूँ मोदी जी आपका। देखिए ना, अब एनआरसी सीए भी उल्टा पड़ गया, सरकारें भी, चुनाव भी, अब प्रदेशों में माहौल खराब हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब प्रदेश आप निपटने लगे, किस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं शुरू हुई, विधायकों का खरीद पर लूट तंत्र की स्थापना कैसे शुरू हुई है ना मोदी जी। उसके बाद देखिए ना, अर्थव्यवस्था की नाकामी को छुपाने के लिए, 370 के हल्ला को दबाने के लिए, एनआरसी CAA के मुद्दे को दफनाने के लिए, नमस्ते ट्रंप हो गया, कोरोना आ गया देश के अंदर, हमारे देश के अंदर संसद चलती है 23 मार्च तक, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है 23 मार्च को, इस बीच में रोजगार पे कोई चर्चा नहीं, व्यापार पे कोई चर्चा नहीं, किसान पे कोई चर्चा नहीं, शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं, स्वास्थ्य पे कोई चर्चा नहीं, इलाज पे कोई चर्चा नहीं, वेंटिलेटर बढ़ाने पे कोई चर्चा नहीं, डॉक्टरों की नियुक्ति पे कोई चर्चा नहीं, सरकार गिराने बनाने की चर्चा बिकाऊ मीडिया में जबरदस्त चला। उसके बाद अब कोरोना की महामारी, लॉकडाउन हो गया, दह घंटा, मोदी जी आपकी जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, किसी और दल का प्रधानमंत्री होता, ताली थाली दिया घंटा थोड़ी कराता, वो निकम्मे लोग दबाई पे एक्सरसाइज करते, अब तक वैक्सीन ढूंढ लेते। देखिए ना मोदी जी, आपके पहले भी ऐसा नहीं है कि देश में महामारी नहीं आई, बहुत बड़ी महामारी आई, चेचक की महामारी, उससे निपटा ना, उसका वैक्सीन टीका आया ना, देश सुरक्षित हुआ ना, उसके बाद पोलियो मुक्त भारत किसने किया? यही निकम्मे कांग्रेस के लोगों ने। इनको भी ताली थाली, लूट घसोट, भ्रष्टाचार, और देखिए ना, 6 सालों में पूरे हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले में हाईटेक बीजेपी के सर्व सुविधा युक्त कार्यालय ना हो? बीजेपी प्रदेशित शासित राज्यों में आज से
उनके सरकार बनने के पूर्व जिन कार्यकर्ताओं के पास साइकिल का पंचर बनवाने पैसे नहीं जुड़ते थे, फॉर्चूनर, एंडेवर, BMW, बड़ी बड़ी कार, लग्जरी बगले सब कुछ है, ये कांग्रेसी और अन्य दल के लोगों के बस की बात थी ही नहीं। बताइए ना, 70 साल का हिसाब सही पूछ रहे आपके लोग। कांग्रेस का पूरे देश के 50 जिलों में कार्यालय नहीं है, पूरे देश में, प्रदेशों में चूंकि प्रदेश कार्यालय, लेकिन जिलों में ना तो कार्यालय और ब्लॉकों में बैठने की जगह नहीं है, ये उपलब्धि रही। भ्रष्टाचारी कौन हुए, लूटा किसने, जिनने स्वास्थ्य, शिक्षा, डॉक्टर, मास्टर बनाए, सड़कें बिछाई, रेलवे ले आए। देखिए ना, शुरू में जब रेलवे आई तो कोयला से और डीजल से चलती थी, आज हिंदुस्तान को इन कांग्रेसियों ने बिजली का जाल बिछा के, रेलवे का जाल बिछा के, एयरपोर्ट का जाल बिछा के, प्लेनों का जाल बिछा के, विश्व से जोड़ के, प्रगतिशील देश बना के आपके हाथ में सौंप दिया, जिसको 6 सालों में कहाँ खड़ा कर दिया गया। मोदी जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मालूम, आपका इतना बड़ा दीवाना हूँ, इतना बड़ा प्रशंसक हूँ, इतना बड़ा फॉलोवर हूँ, सिर्फ एक बार वो झूठ पाखंड की ट्रेनिंग हमें भी दे दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए बस, क्योंकि ये बाकी पार्टी के लोगों के बस की बात ही नहीं है। देखिए ना, जिस उत्तर प्रदेश में अब राम जन्मभूमि पूरे हिंदुस्तान की आस्था, ऐसा नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान मुसलमानों ने भी किया, हिंदू प्रतीक्षा में थे, किसी भी मुसलमान की कोई टिप्पणी कही नहीं, ओवैसी जी का आपके बीच में जो भी, दोनों के बीच में आपसी कम्युनिकेशन और डिस्कस होता हो, एक हिंदुओं को गाली देने वाला और एक तरफ से मुसलमानों को गाली देके, ओवैसी जैसी बुद्धि के सब मुसलमान थोड़ी हैं, मुसलमानों में भी नैतिकता, भाईचारा, आज तक देश में एकता, अखंडता और भाईचारा स्थापित रहा, आगे भी रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का ये देश है और सारे लोगों में सौहार्द स्थापित रहा है, रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देश भी समझ रहा है कि इस कोरोना की महामारी में ही अपन, जब उच्चतम, माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था, उसके बाद भी अपन राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर सकते थे, आज हुआ, अच्छा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर बनना चाहिए और बने, बन भी रहा और बनेगा भी। लेकिन देखिए ना मोदी जी, RSS प्रमुख का स्टेज पे बैठना गर्व का विषय है, बैठना चाहिए, लेकिन प्रवीण तोगड़िया जी कहाँ हैं, जिनने पुलिस की लाठियां खाई, डंडे खाए, जेल में गए, अभी तो वो दुनिया में तो हैं, उनको आमंत्रण क्यों नहीं गया। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं, उस मंच पे उनको क्यों नहीं बुलाया गया। बहुत सारे वो लोग हैं जो राम मंदिर के लिए वाकई लाठी डंडा और जेलों में गए, लड़ाइयाँ लड़ी, बदनाम हुए, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वो लोग कहाँ खड़े हैं, कहाँ हैं, कहाँ गोल है, पिक्चर के पीछे है, पता ही नहीं है। तो गड़िया जी ने पूरे देश में अभियान चला दिया, लेकिन अच्छी चीज है, चलिए अच्छा, RSS प्रमुख का जाना स्टेज पे स्वागत योग्य हो सकता है, किस हैसियत से गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे भारतीय गंगा जमुनी संस्कृति में अतिथि देवो भव, लेकिन चारों शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया गया।
अन्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्षों को क्यों नहीं बुलाया गया, आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, नैतिकता बनती थी ना। चूंकि इस समय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से ध्वस्त हुई, बेरोजगारी देश के अंदर जिस प्रकार से बढ़ी, CAA NRC 370 के मुद्दे जिस प्रकार से उल्टे पड़े, अर्थव्यवस्था CAA NRC के बाद जिस प्रकार से चीन ने भारत पे जो किया, उसके बाद आपको झूठ बोलना पड़ा, आपके लोगों को झूठ बोलना पड़ा कि नहीं हमारे भारत में नहीं घुसे, हमारे देश के वीर जवान जिस प्रकार से शहीद हुए, एक के बदले 10 सिर वाला आपका मुद्दा, लाल आँख दिखाने वाला मुद्दा ना उठे, उन सारी चीज़ों पे पर्दा डालने माहौल कम से कम राम जन्मभूमि के शिलान्यास से स्वास्थ्य का मुद्दा ध्वस्त हुआ, शिक्षा का मुद्दा ध्वस्त हुआ, वेंटिलेटर का मुद्दा ध्वस्त हुआ, CAA NRC, नोटबंदी, GST, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं, उसी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के जंगल राज की कोई चर्चा नहीं, उत्तर प्रदेश में अतिथि विद्वानों को समाजवादी सरकार, अखिलेश सरकार 35-40 हज़ार रुपये सैलरी देती थी, आपकी सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने शायद 8-10 हज़ार रुपये किया, उस पे भी उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा, कई अतिथि विद्वानों ने तो आत्महत्याएं भी कर ली, अतिथि विद्वानों की बड़ी बुरी स्थिति है। मुझे विश्वास है मोदी जी उन पे तरस करेंगे, आप दया, वैसे आप दयालु व्यक्ति तो हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अध्यात्म के प्रति आप का समर्पण तो है, ईश्वर को मानने वाले हैं आप, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में किसी भी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देवी देवताओं, अपने अपने धर्मों के शास्त्र पुराणों का की मान्यता तो है, उसके आधार पे लोग चलते भी हैं, आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि सबसे बड़ी सेवा नर सेवा है, गरीब सेवा है, बेरोजगारों की सेवा है, भूख की सेवा है, भूखे व्यक्ति की सेवा है, मजदूरों की सेवा है, बीमारों की सेवा है, असहायों की सेवा है। और जिस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहे, जिस प्रकार से मजदूर सड़क पे भूख से चले, बैगों में बच्चों को ट्रॉली बैग में बैठाल के बैगों को घसीटा, जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण मौतें हुई, इलाज के अभाव से जिस प्रकार से भूख से मौतें हुई, जिस प्रकार से गरीबी दिन पर दिन बढ़ रही है, जिस प्रकार से अतिथि विद्वानों के साथ अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस प्रकार से कंपनियां जो बंद हुई उनके निकाले गए, कंपनियों से निकाले गए मजदूरों की दुर्दशा हो रही है, उन पे भी कुछ चिंता थोड़ा सा अगर कर लिया होता आपने, उन पे भी दो शब्द बोल दिया होता, वही अयोध्या नगरी से तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी निश्चित तौर पे कृपा भी बरसाते। और आज जिन क्षेत्रों में बाढ़ का अपार स्थिति है, प्राकृतिक आपदा है, जिन क्षेत्रों में अकाल का भीषण संकट आ रहा है, हो सकता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा कर देते। वैसे हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो इतिहास है, उन्होंने देश अयोध्या नगरी में जब वापस आए वनवास के बाद और जनता के बीच में उन्होंने जनता के मन की बात जानने की कोशिश की, जनता के मन की बात जानने की कोशिश की खुफिया तरीके से, और ये देखा कि हमारी माता देवी सीता जी पर जिस प्रकार से आम जनता के 50% लोगों की भावना और जिस नज़र से प्रभु श्री रामचंद्र जी की आलोचना करना चालू किया, उससे व्यतीत होके
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता का त्याग किया और माता सीता ने वन में जाके वाल्मीकि जी के जैन मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप सब? मोदी जी नमस्कार, जय श्री राम। जैन कैसे हैं मोदी जी? मोदी जी देश की बहुप्रतीक्षित अयोध्या धाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के शिलान्यास की बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद, आभार। और सबसे बड़ा आभार माननीय उच्चतम न्यायालय का और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मोदी जी, आपको तो पता है ना कि पहले भी शिलान्यास तो ऑलरेडी हो ही चुके थे और काम प्रगति पे भी था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पत्थर गड़े जा रहे थे, कारभार तो चल ही रहा था, लेकिन चूंकि जो आप में है मोदी जी वो देश के किसी भी नेता में नहीं है। ये जितने भी दल के नेता हैं कोई काम के नहीं है। आप में तो वो गुण वो क्षमता, वास्तव में आपको कोई बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर तो है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा, है ना मोदी जी? मोदी जी देखिए ना, अर्थव्यवस्था औधे मुँह गिरी, पहले देश बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, भूखमरी की कगार पे हमारा देश। ध्यान भटकाने के जो गुण आप में है ना मोदी जी, देश को गुमराह करने में, झूठ बोलने में, पाखंड करने में, जो भारतीय जनता पार्टी को संस्कार मिले वो थोड़ी किसी में है, नहीं है। देखिए ना, अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया, जिस प्रकार से नोटबंदी औधे मुँह गिरी, जिस प्रकार से GST औधे मुँह गिरी, और पूरी तरह से 6 सालों में देश को बर्बाद, कंगाल, तबाह किया गया, उस असफलता पे पर्दा डाल ले, कैसे रास्ते तलाशे आपने? धारा 370 आ गया, वो भी औधे मुँह गिर गया। पहले की सरकारें कोई भी निर्णय लेती थी, सारे सर्वदलीय बैठक करके, संतुलन बना के, एकता करके निर्णय ले लेती थी। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी रातों रात आपके सारे निर्णय होते हैं औधे में मुँह गिर जाते हैं? कोई भी निर्णय लेने के पहले कार्य योजना होती है ना मोदी जी, लेना चाहिए ना अपन को, कार्य योजना बनाना चाहिए ना, और उसका एक एस्टीमेट होना चाहिए, इन फ्यूचर आगे हमें कैसे काम करना है, उसके लिए हमारे पास आर्थिक आधार क्या होगा, उसकी कोई चिंता नहीं। 300 पहले ही देश कंगाल था, तबाह था, 6 सालों में बर्बादी की कगार पे, कंपनियां बंद हो रही, देश बिच रहा है, निजीकरण, रेलवे, BSNL, लाल किला, एयरपोर्ट, तमाम जमाने भर की चीज़ों का निजीकरण, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, जबकि आपने तो देश की तबीयत से, है ना मोदी जी, 6 सालों में आपका दोष नहीं है, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं तो आपका दीवाना हूँ, बहुत बड़ा दीवाना हूँ मोदी जी। 370 भी उल्टी पड़ गई, उसके बाद CAA NRC आया, वो भी उल्टा पड़ गया। भाई जब किसी चीज़ की नीति नहीं होगी, नियत साफ नहीं होगी, काम करने का तरीका ठीक नहीं होगा, सबके साथ समन्वय स्थापित करके अपन कोई काम नहीं करेंगे, तो उसमें तो विसंगतियाँ तय हैं। अच्छा, चूंकि मजबूरी भी थी आपकी ध्यान भटकाने के लिए, कोई ना कोई इस टाइप की योजनाएं लाना चाहिए, कांग्रेसियों के या अन्य दलों के लोगों में ये बुद्धि नहीं थी,
भयभूत भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ये सिर्फ गरीब के छत झोपड़ी के ऊपर छत कैसे पड़े, गरीब का बच्चा स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण कैसा करे, गरीब को रोजगार कैसे मिले, जब से देश की आज़ादी की लड़ाई से लेके ये कांग्रेसी निकम्मे लोग सिर्फ देश को प्रगतिशील बनाने में लगे रहे। वही काम राहुल गांधी कर रहे, वही काम सोनिया जी कर रहे, वही काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर रहे। देखिए ना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल बना रहे हैं कि 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री बुद्धिमान व्यक्ति जिसने 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया, देश को बर्बाद नहीं होने दिया, देश को तबाह नहीं होने दिया, देश की कोई संपदा को गिरमी नहीं किया, निजीकरण नहीं होने दिया, ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगते रहे, बदनाम करते रहे आपके लोग। और सोनिया जी को, राहुल गांधी को रिमोट कंट्रोलर बोलते रहे, जबकि देश को मालूम है ना मोदी जी, अटल जी जैसे विद्वान प्रधानमंत्री के खिलाफ जो माइंड मिला, समर्थन मिला, सपोर्ट मिला, बहुमत मिला, किसको मिला? सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मिला था ना। प्रधानमंत्री का हकदार कौन था? पहला 2004 का इलेक्शन अटल जी के खिलाफ किसके चेहरे पे आया था? सोनिया गांधी के खिलाफ आया था ना। सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, योग्यता में भी कहीं कोई कमी नहीं, शहादत भी उनके पति की थी, उनकी सास की थी, उनके पूर्वजों का, राहुल गांधी जी के पूर्वजों का देश की आज़ादी में जो योगदान रहा, वो शायद जिस समय राहुल गांधी के पूर्वज देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम आप लोगों के पूर्वज क्या कर रहे थे? सावरकर जी, गोडसे जी लोग कहाँ खड़े थे? देश में योगदान किसका रहा मोदी जी? चलिए छोड़िए ना, पुरानी बातों में कुछ नहीं, वो तो चूंकि आपके लोगों को गुमराह करने के लिए बढ़िया हथियार, मैं तो दीवाना हूँ मोदी जी आपका। देखिए ना, अब NRC CA भी उल्टा पड़ गया, सरकारें भी, चुनाव भी, अब प्रदेशों में माहौल खराब हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब प्रदेश आप निपटने लगे, किस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं शुरू हुई, विधायकों का खरीद पर लूट तंत्र की स्थापना कैसे शुरू हुई है ना मोदी जी। उसके बाद देखिए ना, अर्थव्यवस्था की नाकामी को छुपाने के लिए 370 के हल्ला को दबाने के लिए, NRC CAA के मुद्दे को दफनाने के लिए, नमस्ते ट्रंप हो गया, कोरोना आ गया देश के अंदर, हमारे देश के अंदर संसद चलती है 23 मार्च तक, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है 23 मार्च को, इस बीच में रोजगार पे कोई चर्चा नहीं, व्यापार पे कोई चर्चा नहीं, किसान पे कोई चर्चा नहीं, शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं, स्वास्थ्य पे कोई चर्चा नहीं, इलाज पे कोई चर्चा नहीं, वेंटिलेटर बढ़ाने पे कोई चर्चा नहीं, डॉक्टरों की नियुक्ति पे कोई चर्चा नहीं, सरकार गिराने बनाने की चर्चा बिकाऊ मीडिया में जबरदस्त चला। उसके बाद अब कोरोना की महामारी, लॉकडाउन हो गया, दह घंटा, मोदी जी आपकी जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, किसी और दल का प्रधानमंत्री होता, ताली थाली दिया घंटा थोड़ी कराता, वो निकम्मे लोग दबाई पे एक्सरसाइज करते, अब तक वैक्सीन ढूंढ लेते। देखिए ना मोदी जी, आपके पहले भी ऐसा नहीं है कि देश में महामारी नहीं आई, बहुत बड़ी महामारी आई, चेचक की महामारी, उससे निपटा ना, उसका वैक्सीन टीका आया ना, देश सुरक्षित हुआ ना, उसके बाद पोलियो मुक्त भारत किसने किया? यही निकम्मे कांग्रेस के लोगों ने। इनको भी ताली थाली, लूट घसोट, भ्रष्टाचार, और देखिए ना, 6 सालों में पूरे हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले में हाईटेक बीजेपी के
सर्व सुविधा युक्त कार्यालय न हो। बीजेपी प्रदेशित शासित राज्यों में आज से उनके सरकार बनने के पूर्व जिन कार्यकर्ताओं के पास साइकिल का पंचर बनवाने पैसे नहीं जुड़ते थे, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, BMW, बड़ी बड़ी कार, लग्जरी बगले सब कुछ है, ये कांग्रेसी और अन्य दल के लोगों के बस की बात थी ही नहीं। बताइए ना, 70 साल का हिसाब सही पूछ रहे आपके लोग। कांग्रेस का पूरे देश के 50 जिलों में कार्यालय नहीं है, पूरे देश में, प्रदेशों में चूंकि प्रदेश कार्यालय, लेकिन जिलों में ना तो कार्यालय और ब्लॉकों में बैठने की जगह नहीं है, ये उपलब्धि रही। भ्रष्टाचारी कौन हुए, लूटा किसने, जिनने स्वास्थ्य, शिक्षा, डॉक्टर, मास्टर बनाए, सड़कें बिछाई, रेलवे ले आए। देखिए ना, शुरू में जब रेलवे आई तो कोयला से और डीजल से चलती थी, आज हिंदुस्तान को इन कांग्रेसियों ने बिजली का जाल बिछा के, रेलवे का जाल बिछा के, एयरपोर्ट का जाल बिछा के, प्लेनों का जाल बिछा के, विश्व से जोड़ के, प्रगतिशील देश बना के आपके हाथ में सौंप दिया, जिसको 6 सालों में कहाँ खड़ा कर दिया गया। मोदी जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मालूम, आपका इतना बड़ा दीवाना हूँ, इतना बड़ा प्रशंसक हूँ, इतना बड़ा फॉलोवर हूँ, सिर्फ एक बार वो झूठ पाखंड की ट्रेनिंग हमें भी दे दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए बस, क्योंकि ये बाकी पार्टी के लोगों के बस की बात ही नहीं है। देखिए ना, जिस उत्तर प्रदेश में अब राम जन्म